नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिन्हा फिर से एक बार एक नए ट्रिक के साथ। अगेन इट इज ब्रश फ्री ब्रश पेंटिंग, और ये छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली 2 to 6 इयर्स चाइल्ड के लिए। और इसे हम चलेंगे नंबर के साथ, नंबर की मदद से जो है ये पेंटिंग हम पूरा करेंगे। और देखिए कितना आसान है, इस नंबर से जो है एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, क्या कहते हैं, डक या फिर हंस का क्लियर हो जाता है। जैसे 2 लिखना, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रश में वाइट कलर लेंगे, चूंकि ये ब्लैक चार्ट पेपर है, 2 लिखेंगे। 2 सभी को लिखने आता है, 2। का कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर हो चुका है उन लोगों के लिए है, तो 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद जो है इसे आपस में मिला देंगे, सिंपल। मिलाने के बाद हमने पहले 2 लिखा, द फर्स्ट प्रोसेस इज टू गेट राइट 2, उसके बाद उसे मिला देना, उसके बाद भी लिखवाइए इसके जगह पे, ओनली अरेंजमेंट इज देयर, भी लिखवाया, और फिर सी 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 लाइक दैट। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर को नहीं करेंगे, ताकि ये बच्चे आसानी से उसको समझ पाए और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। उसके बाद आंखें, आंखें अगेन ऊपर सी नीचे सी, और मिला देंगे। आप पतले ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हो गया। ये आपकी क्या कहते हैं, डक बत्तख, और इसको पानी में ले लीजिए। चाहे तो 1 या 2 साथ में और बनवा सकते हैं, लेकिन ट्रिक यही है, क्या करना है, 2 लिखना है, मिला देना है और क्लियर कर देना। हम चाहे तो इसे, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा एक तरीका मैं बताती हूँ कि इसे पूरा फिल कर लेंगे। एक तो आप बिना क्या कहते हैं फिल के भी बना सकते हैं, दूसरा क्या है कि इसे पूरा फिल कर लेंगे। ब्लैक रंग का चार्ट पेपर, 2 लिखा हमने, इस तरीके का क्रिएट किया, और इसको पूरा का पूरा जो है व्हाइट कलर से फिल कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस, छोटे बच्चे आराम से करेंगे। आप उन्हें ब्रश दे दीजिएगा, पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करेंगे, और इसे फिल कर लेंगे। एक साथ में मून लेकर चलते हैं, जितना भी बनाया सभी को फिल कर देंगे। एक किनारे में मून बनाते हैं, अगेन प्रोसेस वही, 1 सी 1 सी 1 मोर सी, और फिल इट, इसे भर देंगे, हो गया। एक चाहे तो एक किनारे में एक पेड़ ले सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से ले जाएंगे, सी सी और अगेन 2-4 सी ऊपर से नीचे, इसको फिल कर देंगे, और डिप डिप, द प्रोसेस वुड बी डिप डिप। और चूंकि छोटे बच्चों का ये पेंटिंग है, तो इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो इट इज एनफ नाउ। और एक बहुत ही खूबसूरत सा भव्य पेंटिंग दिखने वाला, जो बहुत आसान तरीके से बन जाता है, आप बच्चों को कराएं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और रंगों के साथ रहना बच्चों का बहुत जरूरी है, रंग ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर में मदद कर, क्लियर करने में मदद करता है, बल्कि ये साइकोलॉजी भी बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बच्चों के मन पर बहुत ज़्यादा काम करता है।
इसलिए बच्चों का रंगों के करीब रहना बहुत जरूरी है, खासकर छोटे बच्चों का। आप रंगों के हिसाब से बच्चों की मन स्थिति को पकड़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसलिए सभी तरह के उन बच्चों को पेंटिंग के थ्रू कैसे ले जाया जाए उसकी जानकारी रखी जाए, और इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स को फॉलो करके पेंटिंग बनाएंगे और बच्चों को वहां तक ले जाएंगे। एक आंख मैं बना दूं, उसमें आंख बनाने के लिए दूसरे ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। एक चाहे तो छोटा सा बिंदु यहां पर लगा दे ताकि आंख जैसा फील हो। इट इज फॉर 2 to 6 ईयर्स चाइल्ड। तो ये पिक्चर कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत और शेडिंग करना चाहे तो करवा सकते हैं, अदरवाइज फॉर लिटिल किड इट्स एनफ। तो ये था उन छोटे बच्चों के लिए ये ट्रिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फिर मिलती हूँ नए ट्रिक के साथ। नमस्कार।